अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज की नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर ख़ुद को रजिस्टर कैसे करवाना है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपको मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर ख़ुद को रजिस्टर करवाना होगा, ताकि हर नई आने वाली जॉब के बारे में आपको बतौर ईमेल मैसेज हासिल हो सके कि मीज़ान बैंक में आप जॉब्स आई हुई हैं। तो उसके लिए आपको ख़ुद को करवाना पड़ता है रजिस्टर। जी हाँ, आप सबसे पहले ओपन करेंगे गूगल को और उसके बाद आप लिखेंगे मीज़ान बैंक। जैसे ही आप मीज़ान बैंक लिखते हैं, फिर आप करेंगे उसको सर्च, यानी कि आप दबाएंगे इंटर का बटन, तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन शो होंगे। एक आपके पास न्यू पेज ओपन हुआ जिस पर ये तमाम ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो अब आपने करवाना है ख़ुद को यहाँ पर रजिस्टर। तो आप देख रहे हैं सर्विसेज ऑफर्ड अबाउट अस रजिस्टर ऑनलाइन, तो आप क्लिक करेंगे रजिस्टर ऑनलाइन पर। सिंपल सा आपके पास इस तरह एक न्यू पेज ओपन होगा, एक न्यू विंडो ओपन होगी जिस पर आपने एक फॉर्म फिल करना होगा, जिसके ज़रिए आप हो जाएंगे मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर रजिस्टर। और सेम इसी को इस्तेमाल करते हुए आप लॉगिन हुआ करेंगे और इसी से लॉग आउट होकर आप अपनी कोई भी अप्लाई को मुकम्मल करने के लिए इसी वेबसाइट पर और इसी ईमेल के ज़रिए आप लॉगिन होंगे और अप्लाई करेंगे किसी भी वैकेंसी पर। तो जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपने इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ख़ुद को मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाएं। जब आप ये फॉर्म फिल कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आप उसके बाद अपनी CV ड्रॉप करें। इसके बाद वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने CV कैसे ड्रॉप करनी है। अगर जॉब्स आई हुई हैं तो आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर जॉब्स नहीं आए तो आप ख़ुद को रजिस्टर ज़रूर करवा लें और उसके बाद आप अपनी CV ड्रॉप मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर ज़रूर कर दें। जैसे ही न्यू जॉब्स आती हैं तो आपको बतौर ईमेल मैसेज रिसीव हो जाता है और आप बआसानी लॉगिन होकर जॉब बोर्ड पर ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप न्यू मेंबर हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बआसानी मालूमात मिल सके। और अगर आप को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है बैंक रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके हमसे तमाम सवालात पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह फौरन आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये आपके पास जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ, तो आपने इसमें कस्टमर नंबर लिखना है सबसे पहले। यहाँ पर आपने फर्स्ट में कस्टमर नंबर लिख देना है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपने सबसे पहले मंथ लिखने हैं, फिर डेज लिखने हैं और फिर ईयर लिखने हैं। आप सिंपल इस पर क्लिक करके भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, कोई इसमें डैश इस्तेमाल नहीं करनी, कोई स्पेशल डिजिट स्पेशल करेक्टर कोई भी आपने इसमें ऐड नहीं करना, ना ही आप इसमें स्पेस वगैरह इस्तेमाल करेंगे।
और आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर वो देना है जो आपका पर्सनल नंबर हो, जिस पर आप हर टाइम रابطे में दोस्तों से रहते हैं, और ताकि अगर आपको कोई मैसेज रिसीव होता है न्यू जॉब्स के बारे में तो आप फौरन वहाँ से देख सकें। और उसके बाद आपने लिखनी है अपनी ईमेल, और यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस वही देना है जिस पर आप लॉगिन रहते हैं, और आप हर 1-2 दिन में मेल ज़रूर पढ़ लिया करें, ज़रूर ओपन करके देख लिया करें कि न्यू जॉब्स आई हुई हैं कि नहीं, क्योंकि आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर होने का यही फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको बतौर ईमेल पता चल जाएगा कि कोई जॉब्स आई हुई हैं या कि अभी नहीं आई हुई। तो सिंपल आप इस फॉर्म को इस तरह फिल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कंप्लीट। ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आपने मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर ख़ुद को रजिस्टर कैसे करवाना है, यानी कि अगर आप कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, और आपने कहाँ से ओपन करके इसको मुकम्मल करना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें कमेंट करें, और इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आपने मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर अपनी CV ड्रॉप कैसे करनी है, और उसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो आपने CV ड्रॉप की होगी उससे कैसे फ़ायदा उठाना है और कैसे नौकरी हासिल करनी है, वो हम इसकी थर्ड वीडियो में आपको बता देंगे। आप डायरेक्ट जॉब बोर्ड पर जाकर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जो कि आपकी मुकम्मल अप्लाई होगी आपकी, जिससे CV रिजेक्ट बिल्कुल ही नहीं होगी, 100% आपको मैसेज रिसीव होगा, आपको कॉल रिसीव होगी, और आपको ईमेल इंटरव्यू के लिए या फिर टेस्ट के लिए रिसीव होगी। तो इस तरह आप को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।